रेकी फोर्थ लेवल में आपको क्या सिखाया जाता है? रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग फोर्थ लेवल में दी जाती है। रेकी थर्ड लेवल, जिसे हम मास्टर लेवल कहते हैं, इस मास्टर लेवल तक आपने ट्रेनिंग लेकर कंप्लीट कर ली है। अब तक आपके पास 5 सिंबल्स हो चुके हैं। हॉन्सा जेशेनन, सेहे की चोकुरी सेकंड लेवल में आपको सिखाया जाता है और उसका यूज, उसकी पावर सब कुछ बताई जाती है। उसके ऊपर वीडियो पहले बन चुकी है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको ओपन करके देख लीजिए। थर्ड लेवल में मास्टर लेवल, जिसमें कि दाई कू म्यू सिंबल दिया जाता है और उसके साथ में मिडास स्टार जो कि मनी सिंबल है वो भी दिया जाता है अटून करके, और उसका पूरा मेथड वीडियो सारी चीज़ें दे दी जाती हैं कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं। अब आप रेकी मास्टर बन चुके हैं और 5 सिंबल के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी और दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ आप हेल्थ इश्यूज को ठीक करते हैं, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप के इश्यूज, स्पिरिचुअलिटी के इश्यूज एंड रिलेशनशिप के इश्यूज, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कोई इश्यूज है उनको सबको हील करते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आगे पहुंचा रहे हैं। काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर करके आपने सीख लिया है। अब आप रेकी फोर्थ लेवल की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं, जिसे हम रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग कहते हैं। इस लेवल में आपको टीचर बनाया जाता है। आप दूसरे को कैसे शक्तिपात करें, कैसे ट्रेनिंग देंगे, एज ए टीचर आप कैसे दूसरों को फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की ट्रेनिंग देंगे, आगे जब ग्रैंड मास्टर में चले जाएंगे तो रेकी टीचरशिप और ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग कैसे देंगे, इसमें कितना कितना अंतराल होता है, कितनी कितनी टाइमिंग आपको देनी पड़ती है, कितना समय लगाना पड़ता है, कितने कैसे रिजल्ट्स पाने होते हैं, उन सारी चीज़ों की बात ब्यौरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट लेवल में जब आपने सीखा तो 21 दिनों की प्रैक्टिस करने के लिए बताई गई, और 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप उन 21 दिनों के अंतराल में दूसरे लोगों की भी डायरेक्ट हीलिंग की, डिस्टेंस हीलिंग की परमिशन आपको नहीं थी, ना ही आप उसके एलिजिबल थे। सेकंड लेवल में आपको डिस्टेंस लेवल की एलिजिबिलिटी दे दी जाती है और आपकी पावर बढ़ जाती है। हॉन्सा जेशेनन, जो कि दूर बैठे व्यक्तियों को हील करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है ब्रिज बनाने का काम, और चोकुरी जो कि प्रोटेक्शन और पावर बढ़ाने का काम करता है, क्लिंजिंग करने का काम करता है, और सेह की हीलिंग का काम करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल आपने सेकंड लेवल में सीख लिया, समझ लिया। और जब 21 दिनों के बाद आपने सेकंड लेवल सीखा तो उसके बाद आप कम से कम 21 दिनों तक प्रैक्टिस और करेंगे सेकंड लेवल की, और ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा है, नहीं तो 21 दिनों की प्रैक्टिस, अगर अच्छी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो 21 दिनों के बाद में आप थर्ड लेवल सीख सकते हैं। और थर्ड लेवल सीखने के बाद अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और रिजल्ट्स अच्छे अच्छे आए हैं, अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है, तो थर्ड लेवल में आप 30 दिन बाद आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कम से कम 90 डेज़ का टाइमिंग रहनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लें, उसके बाद से 90 डेज़ के बाद आप फिर टीचरशिप में आएंगे। और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेकी मास्टर लेवल की तो ठीक है, नहीं तो 90 डेज़ इनफ है। और ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस की, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, बीमारियाँ ठीक की अपनी और दूसरों की, आपकी लाइफ में भी ग्रो हुआ, दूसरे को भी, जब जिसको आपने हीलिंग किया उसको भी रिजल्ट आया, हर तरह का रिजल्ट आया, तो किसी किसी केस में नहीं आ सकता है, कम आ सकता है, लेकिन जिसको भी आपने हीलिंग की उसको रिजल्ट आया ही आया, 90% तो रिजल्ट आपके पास आना ही चाहिए। जब आप टीचर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मेंटली फिजिकली इमोशनली आप बिल्कुल रेडी हैं और आपकी सोल गाइड कर रही है कि आप मुझे रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो इस रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 4-4 घंटे, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में बराबर है। हो सकता है 1-2 घंटे ज़्यादा हो जाए प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन कम से कम 12 घंटे की ट्रेनिंग आपकी होनी है। इन 12 घंटों में जो आपको सिखाया जाएगा, उसमें सिखाया जाएगा कि रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स को कैसे शक्तिपात करें, क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं,
शक्तिपात के दौरान रेकी फर्स्ट लेवल में, और क्या क्या मेथड्स होता है, कैसे आप उस अपने पार्टिसिपेंट को बैठाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। जैसे कि हमने आपको सिखाया कि सबसे पहले हमने आपको एक कमेंट्री दी, वीडियो दिया, उस बताया कि आप अपने परिणामों के जिम्मेदार स्वयं हैं। एक घंटे की वीडियो है, आप इसको देखिए। लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि रेकी कर्मा के ऊपर ही वर्क करती है। लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर ही रेकी वर्क करती है। तो पहले आप कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इस एक घंटे में कर्मा के कॉन्सेप्ट क्या है, तो वही चीज़ आप अपने स्टूडेंट से करवाएंगे। फिर सेकंड स्टेज में हमने 24 पॉइंट्स की हीलिंग प्रैक्टिस करवाई, जो कि कमेंट्री हमने आपको रिकॉर्डेड कमेंट्री, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड कमेंट्री दी है, जिसमें कि इमेजेस हर 3 मिनट पे चेंज हो रहे हैं, और उसमें हर 3 मिनट में जहाँ जहाँ आपने हाथ रख के हीलिंग किया है, 24 पॉइंट्स बॉडी के ऊपर हीलिंग किया है, वो वीडियो में देखते हुए और उसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, और उसमें हर पॉइंट पे 3-3 मिनट तक जो अफर्मेशंस दिए गए हैं, उन सारे अफर्मेशंस को भी आपने फॉलो किया। जब 24 पॉइंट आपने हीलिंग कमेंट्री कर ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद हम आपको कहते हैं कि ये 7 चक्रा की कमेंट्री है, उसको आप प्रैक्टिस करिए। मतलब कैसे कैसे बैठना है बैठ कर, क्योंकि यही सेशन, इसी सेशन में हम आपको शक्तिपात करेंगे। डिस्टेंस में दूर बैठे, हम दूर हैं, आप दूर हैं, आपका नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो हमारे पास है, सारी डिटेल है। हमने सेम टाइम में आपको बताया कि अब आप इस स्टूल पर बैठ जाइए, आप इस पोजीशन में बैठ जाइए, सारी चीज़ें हम उसी समय बताते हैं। चूँकि ये वीडियो पब्लिक करनी है हमको, वीडियो पब्लिश करनी है, सबके सामने आनी है, इसलिए मैं उसकी जो बारीकियाँ हैं वो इसमें नहीं बता रहा हूँ, जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि वही चीज़ अगर आप उस तरह से कुछ उसमें मिसिंग रह गई तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वही चीज़ जानने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उस समय हम आपको सारी डिटेल बताते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि आप स्टूल पर बैठ जाइए और क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमने बता दिया, और वो कमेंट्री आपको सुनना, और उसी 25 मिनट की कमेंट्री में हम आपको शक्तिपात करेंगे। जब आपकी कमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी तब आप हमें वापस बताएंगे कि ये कमेंट्री कंप्लीट हो गई और शक्तिपात हो गया। शक्तिपात की फीलिंग, एक्सपीरियंस, सब कुछ आप हमें वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल दें, और वीडियो कॉल से भी आप उस समय ट्रेनिंग के दौरान हमसे बात कर सकते हैं, और हम बात करते हैं, अवेलेबल रहते हैं आपके सामने जब आपकी इच्छा होती है। बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, हमें वीडियो कॉल पर नहीं आना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। वॉइस कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सारी जो सुविधाएं हैं इनका आप यूज़ करिए। व्हाट्सअप का वॉइस रिकॉर्डिंग, उन पर आप अपने क्वेरी डालिए और हम यहाँ से आपको रिप्लाई देते रहेंगे। इस तरह से हमने सिखाया कि रेकी फर्स्ट लेवल 2 दिन शक्तिपात करते हैं, वो सब हम बताते हैं। आप रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट को कैसे शक्तिपात करेंगे, जैसे हमने आपको सिखाया फर्स्ट लेवल, सेम प्रोसेस आगे का, क्या क्या आपको आगे जो कमेंट्री है, रेकी क्या है, रेकी का रहस्य क्या है, ऑरा कैसे देखते हैं, क्लिंच कैसे करते हैं, शील्ड कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ आप अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं एज ए टीचर, ऑडियो वीडियो कमेंट्री, वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बताकर, वीडियो में बताकर, दिखाकर, वीडियो आपके सामने है, जो कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स की वीडियो हैं जो आपके यहाँ चैनल पे पब्लिश नहीं की जाती हैं। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उन वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग वाली वीडियो हम यहाँ पे पब्लिश नहीं करते हैं। हम यहाँ पे मेथड्स, वो सारे मेथड्स बताते हैं जो कि कोई भी हीलर अपने लेवल के हिसाब से उस मेथड को यूज कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। वो कहीं से भी सीखा हो, हमसे सीखा हो, या कहीं से कभी का सीखा हो, वो रेकी फर्स्ट लेवल का हो, ग्रैंड मास्टर हो, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। विश्व का कोई भी हीलर जो हीलिंग कर रहा है, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है और अच्छे मेथड्स निकालना चाहता है और ऐसे प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, तो हमारे मेथड्स को यूज कर सकता है। हमने उसको फ्री छोड़ रखा है, इसलिए हम इस पर मेथड्स बताते हैं, वो सारी चीज़ बताते हैं कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, और आप जो परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, तो उस परेशानी से भी मुक्ति पा लें। क्योंकि आपने रेकी इसलिए सीखी कि आप खुद हील करके एक अच्छा हीलर बनके अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें।
तो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है एज ए हीलर, हीलर रिकी सीखने के बाद भी, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना। आपको डिप्रेशन तो होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, सब कुछ आपका जैसे लगेगा कि लूट गया, कुछ नहीं फ़ायदा, और आपका विश्वास टूट जाएगा। वो आपका विश्वास न टूटे रेकी के ऊपर से, इसलिए हम आपको ये मेथड्स देते हैं। तो रेकी टीचरशिप की बात हो रही है, फिर आपको सिखाया जाएगा रेकी सेकंड लेवल कैसे आप शक्तिपात करें अपने स्टूडेंट को, पूरा कोर्स सिखाया जाता है, आप उसी तरह से अपने स्टूडेंट को सिखाएं। फिर रेकी थर्ड लेवल में कैसे शक्तिपात करेंगे अपने स्टूडेंट को, हम आपको पूरा कोर्स सिखाते हैं। इन सब की वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके उसकी लिंक देख लीजिए कि रेकी फर्स्ट लेवल में क्या 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 सिखाया जाता है, सेकंड लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है, थर्ड लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है, रेकी टीचरशिप यानी कि फोर्थ लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है वो मैं बता रहा हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर में क्या क्या सिखाया जाता है, कितने दिन का टाइम होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, वो सब रेकी ग्रैंड मास्टर की वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगली वीडियो जब आएगी बनाएंगे तो आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। अगर आप नए हैं तो, अगर आपने सब्सक्राइब रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, कुछ भी पूछिए, हमसे जुड़िए, मिलिए, बात करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हर तरह के क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे और सेटिस्फाइड करेंगे। और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हीलिंग से, तो आप हमसे बात करिए, मिलिए, पूछिए, फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, कोई भी फी चार्ज नहीं लेंगे उसके लिए, मेथड बताने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, मतलब एडवाइस करने के लिए कोई भी फी चार्ज नहीं है, टोटल फ्री। जब आप ट्रेनिंग लेंगे और हीलिंग कराएंगे, इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए हम फी चार्ज लेते हैं। साथ में जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हमसे, बुक्स खरीदते हैं, क्रिस्टल्स खरीदते हैं, पिरामिड खरीदते हैं, या हीलिंग के जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसका ही प्राइस होगा, जो जेन्युइन होगा वो सब लिया जाता है। तो रेकी टीचरशिप में जब आप सीख रहे होते हैं तो, और फिर आपको ये बताया जाएगा कि रेकी ग्रैंड मास्टर में जब आप जाएंगे तो फिर टीचरशिप की ट्रेनिंग कैसे देंगे और ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग कैसे देंगे और डिस्टेंस में दूसरे को कैसे अटेनमेंट करेंगे, वो सब मेथड रेकी टीचरशिप में हम क्लियर कर देते हैं कि, लेकिन 6 महीने बाद आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस अटेनमेंट कर सकते हैं। शुरू के 6 महीने तक डायरेक्ट अटेनमेंट करेंगे, डिस्टेंस अटेनमेंट नहीं करेंगे। आफ्टर 6 मंथ जब रेकी टीचरशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 6 महीने तक आपको डायरेक्ट हीलिंग करना, अटेनमेंट करना है, ट्रेनिंग देना है। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप डिस्टेंस में शक्तिपात कर सकते हैं किसी को और ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके पहले नहीं। जल्दीबाजी ना करिए, 6 महीने तक वेट करिए तभी होगा। और उसके लिए हम आपको बताएंगे कि डिस्टेंस में शक्तिपात और ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो सारा मेथड्स हम आपको बता के देंगे। आप अपने यहाँ एक सेंटर खोलिए और प्रॉपर हीलिंग करिए, दूसरों की हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपना फ़ायदा दूसरे का फ़ायदा करिए और अपनी ज़िंदगी संवारिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप हमसे पूछें, हम आपकी हेल्प करेंगे। गॉड ब्लेस।